राजीव जी चुनाव नहीं लड़े थे? लड़े थे ना। राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। राहुल जी चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में है ना। और प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ी है तो पार्लियामेंट में है क्या? तो यह परिवारवाद की नई कहानी हमको सुना रही है। तो आप सब अपने मन में विचार कीजिए, आजाद होने का मतलब है आजाद ख्याल से प्रश्न करना। मैं मंच पे खड़ा हूं तो मैं जो भी बोलूंगा उसको आप यूं ही सच मत मान लीजिए। आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर भाजपा कहती है कि राहुल गांधी जी का सांसद बनना परिवारवाद है, तो अमित शाह का जो बेटा है, देखें उसका मुंह देखें, अजय शाह का है? उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यूपीए में मंत्री थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे माधवराव सिंधिया, तो जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक परिवारवाद था। और जो ही मोदी जी के बगल में जाकर के बैठ गए हैं तो ताली बजा रहे हैं। आह हा हा हा, उनकी सूरत देख रहे हैं, इतना मूर्ख हैं हम लोग, इतना मूर्ख बनाएंगे ये हमको कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है। जो ही आप आरएसएस में शामिल हो जाइएगा तो वो संघ परिवारवाद हो जाता है। अगर परिवारवाद गलत है चचा, तो संघ परिवारवाद भी गलत है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे लिए परिवारवाद गलत है और आपके लिए परिवारवाद सही हो जाएगा। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा लोगों को देता हूं कि सोनिया जी का कांग्रेस में होना और राजीव जी का कांग्रेस में होना परिवारवाद है, तो मेनका गांधी जी का और वरुण गांधी जी का भाजपा में होना परिवारवाद कैसे नहीं है? बताइए, बोलिए, बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारा खेल हम समझते हैं, और इसका खेल जानते हैं हम क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारे जैसे लोग राजनीति को कभी अपना कैरियर नहीं समझते हैं। हमने, और यह मैं पब्लिकली बोल रहा हूं आपके सामने, ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना।